अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अगर तो आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि दांत सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और व्यूअर्स, आज की जो सी रेसिपी है वो है दिल्ली मुर्ग पुलाव, और मज़ेदार से जो सा मुर्ग पुलाव है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। इसकी रेसिपी क्या है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, और हम लोग अपने घर में जब बनाते हैं मतलब अमूमन एक मुर्ग पुलाव तो बनता ही रहता है, लेकिन ये उसे ज़रा हट कर है, इसके इंग्रेडिएंट्स ज़रा डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज ये बनता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं कि मज़ेदार से जो से दिल्ली मुर्ग पुलाव है ये कैसे बनेगा। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मैंने 1 किलो मुर्गी ले ली है, 2 बड़े बड़े टमाटर, हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बारीक बारीक मैंने अदरक काट लिया है। वो मैं कह रही हूं अभी मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स तो डिफरेंट है, मतलब हमने साबुत मिर्ची ली है, टमाटर है, अदरक है, लेकिन लहसुन का पेस्ट लिया हम लोगों ने। 1 किलो चावल है, 2 किलो दो किलो कह रही हैं 2 चम्मच दादी मिर्च के, अच्छा जी ठीक है, ये तेज पत्ता है, 2 चम्मच नमक के, ये वो है आलू बुखारा सूखा, ये आधा चम्मच जीरे का, आधा चम्मच गरम मसाले। ये जरा पे प्यारे प्यारे से हाथ तो दिखाए ना मेहंदी वाले। बस बेटा, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा जी व्यूअर्स, अब इन प्यारे प्यारे हाथों से हम शुरू करते हैं खाना बनाना और आप लोगों को दिखाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट सब चीजें मैंने डाल दी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार था जो हमारा दिल्ली मुर्ग पुलाव है वो तैयार होने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही इसकी डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके स्पाइसेस भी डिफरेंट है, और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि साबुत मिर्चें डाली हैं हम लोगों ने, टमाटर हैं, अदरक है और लहसुन का पेस्ट है। माशाल्लाह अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भूनना अभी कुछ वो बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, 5 मिनट भूनते हैं फिर दिखाते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम लोगों ने दही के डाल दिए हैं इसके अंदर, और माशाल्लाह देखिए रंग कितनी प्यारी आ गई है इसकी जब से हमने इसको भूना है, और घी भी आ गया है, और जो गोश्त का रंग है मतलब जो चिकन है उसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया, और घी भी आ गया, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है इस खुशबू के साथ। आप लोगों को देख के आ रहा होगा और आप लोग तो देख के मतलब इसको इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे सामने तो ये बन रहा है, खुशबू को भी मैं महसूस कर सकती हूँ मैं, और देख लें फिर आप कितना मेरे को जल्दी से ये बन जाए और मैं खा लूँ। हाँ जी, ये घी भी निकला है इसमें, ये तेज पत्थर वगैरह सारी चीज़ें स्पाइसेज जो हमने अभी आपको दिखाए थे उसमें शामिल कर देंगे। ये आलू बुखारा, तो समझे इस डिश की जो स्पेशलिटी है वो ये आलू बुखारा ही है। तो ये हमने डाल दिया, ये टेस्ट का आएगा आलू बुखारे का, माशाल्लाह काफ़ी मैंने भूना है, गोश्त की रंगत भी बदल गई है, फ्लेवर भी डेवलप हो गया हर चीज़ का। हाँ जी, तो आप पानी डाल देंगे इसके अंदर, पानी डालते हैं इसे ना पकने के लिए रख देते हैं। ये तो व्यूअर्स पानी ही डाल के हम लोगों ने गोश्त पकने के लिए रख दिया था, तो चिकन जो है वो गल चुका है, तो अब हम लोग इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। चावल डालने के बाद जितना पानी इसको हम रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इसको दम कर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से आज की रेसिपी है दिल्ली मुर्ग पुलाव बिल्कुल तैयार हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है, और चिकन जो है वो भी गल चुका है, और जो तेज़पत्तर है वो भी हम लोगों ने इसके अंदर डाला था, इसके साथ इसका फ्लेवर आलू बुखारा बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि साबुत मिर्ची हम लोगों ने डाली थी, टमाटर है, अदरक है, और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो से हमारे पुलाव की रेसिपी है ये तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए हमें अपनी फीडबैक दें। तो अब आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।